खम्मागणी किसान साथियों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाएं। मुझे बहुत ही बड़ी खुशी है कि जो खोखर वाला जो वीडियो था, काफ़ी अच्छा ऊंचाई पार कर चुका है और आपका सभी का प्यार रहा है और साथ ही में वो जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी है। अब आज हम वापस आए हैं यहाँ पर, जो आज हम कंपनी वाले के साथ नहीं जुड़ेंगे, आज जुड़ेंगे हम कस्टमर के साथ। लेकिन ये देखिए, आपके ये थ्रेसर लोग पसंद तो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस थ्रेसर में ऐसा क्या खास है, मतलब किसानों को क्यों पसंद आ रहा है। आज मेरे साथ में एक किसान साथी जुड़ने वाले हैं, उनसे ही बात करते हैं कि वो थ्रेसर कितने टाइम से चला रहे हैं और उनको कितना फ़ायदा हो रहा है और इसमें क्या क्या खास मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत बड़ा स्वागत है सर। जैसे कि हमें पता चला कि आप खोखर हड़म्बा जो थ्रेसर हैं वो काफ़ी समय से आप यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कि पहले जो वीडियो बनाया था हमने, कंपनी साइड से उनका रिव्यू लिया था और फीचर्स के बारे में जाना था, लेकिन जो किसान साथी है उनको ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिलती है अपने भाई किसान साथी से। तो आप कितने टाइम से ये थ्रेसर यूज़ कर रहे हैं और इसका रिव्यू कैसा है और क्या नई नई टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है? नमस्ते किसान साथियों, मैं ये थ्रेसर अगले 6 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ। इस थ्रेसर सबसे अच्छा मुझे ये लगा है, कम समय अधिक फसल को बीज निकालना बहुत अच्छा रहता है। इसमें कम लोग चाहिए निकालने में, आराम से कम से दो लोग ही चाहिए बस, आराम से निकाल सकते हैं। 1 घंटे की 15 बोरी आराम से निकाल सकता है। तो अब अगर इसकी डीजल की खपत की बात करें तो 1 घंटे में कितना डीजल खा रहा है ये? ये घंटे में कम से, मेरे पास अभी 42 HP का ट्रैक्टर है, ये 4 लीटर डीजल ले रहा है घंटे का। 1 घंटे का 4 लीटर ले रहा है, तो 1 घंटे में कितनी मतलब ये गेहूं और वो फसल है निकाल लेता है? 1 घंटे में अगर सूखी फसल हो तो आराम से 15 से 18 बोरी निकाल सकता है, अगर थोड़ी सी गिल्ली है तो 12 बोरी और से गिल्ली है तो 8 बोरी आराम से निकाल सकता है, मैंने निकाला हुआ है इसलिए। अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं ये एक नया थ्रेसर है, तो क्या ये भी आपने खरीदा है? यस ऑफकोर्स, मैंने ये खरीदा है थ्रेसर, मुझे अच्छा लगा है कि कम समय में अधिक फसल को निकालना, कम लोग चाहिए, मेरे पास एक और ट्रैक्टर है उसके लिए एक और चाहिए, इसलिए मैंने अच्छी इनकम के लिए इसको थ्रेसर को परचेज किया मैंने। अच्छा, तो एक सीजन में आपने अप्रोक्सली कितनी इनकम की है इस थ्रेसर से? ये अप्रोक्स कम से मैंने 1.5 लाख रुपये अप्रोच की है। यानी कि एक सीजन में आपका ये फ्री हो गया लगभग? लगभग फ्री हो गया, अगर मेरे खुद की फसल निकालो और वो एवरेज देखे तो आराम से ये फ्री हो गया। ये मतलब आपने कहाँ से खरीदा है ये? सर मैंने ये लक्ष्य एग्रीकल्चर एप्लीमेंट खेरोदा से खरीदा है, जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में खेरोदा गांव है, वहाँ से खरीदा है। उसके बाद में क्या नया इम्प्लीमेंट दिखा है इसमें आपको? सर इसमें से पहले से थोड़ा व्हील थोड़ा सा बड़ा दे दिया है और बाकी थोड़ा सा ये थोड़ी हाइट ज़्यादा दे दी है, पहले वाले थ्रेसर में जो थोड़ी हाइट नीचे थी इसलिए अब थोड़ा एलिवेटर को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है। बाकी थोड़ी पहले से हैवी क्वालिटी के चैनल से थोड़ी चादर यूज़ की है और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि जाली चेंज करने में इतना कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, डायरेक्ट निकालो डायरेक्ट वापस डालो आराम से अंदर चली जाती है। अच्छा, मतलब एक फोल्डिंग जैसा सिस्टम है, सीधा उठाया? हाँ, सीधा से आराम से, एक मिनट दो एक और बुलाने कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट से निकालो आराम से वापस डालो अंदर से, कुछ छाजे बने हो छाजे में फिट हो जाते हैं। बोर्ड यानी कि ये एक मेंटेनेंस और सर्विस का एक फायदा है ये? हाँ, लो मेंटेनेंस सर्विस है आराम से। सर अभी जैसे कि आप 6 महीने हो गए, तो अभी तक आपके मतलब क्या दिक्कतें आई और कितना मतलब मेंटेनेंस में खर्चा आया है? सर अभी कोई दिक्कत नहीं आई, अभी कोई मेंटेनेंस नहीं आया, अभी तो चल रहा है जैसे पहले जैसे छोड़ा था वैसे अभी चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अभी एक और तो चल रहा है खेत में, अभी नया आया इसलिए थोड़ा डिलीवरी लेने के लिए आया हूँ, बाकी इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे सर वीडियो डाल देंगे, मैंने भी इनको वीडियो दे दिया है। तो इससे मतलब आपको भी फायदा हो जाएगा? फायदा मेरा भी है और इससे क्या, अभी लोग नया अनजान किसान जुड़ेंगे, किसी दूसरे के ठग यहाँ पे नहीं जाएंगे, आराम से वीडियो को देखेंगे भी कैसा है कैसा नहीं है, उस हिसाब से किसान भी दो पैसे में कम खर्च में अधिक मुनाफा मिले, इसलिए मैंने आपको इसलिए वीडियो दिया था कि आप अपने चैनल पे डालो ताकि किसान भी देखे, ताकि उनको किसान को लग गया कि भाई अच्छी मशीन है, कम समय लेती है, कम डीजल लेती है, छोटा ट्रैक्टर तो भी चल जाएगा, बाकी बड़े ट्रैक्टर या 7-8 हज़ार रुपये बड़े ट्रैक्टर लाने की कोई प्रॉब्लम कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से छोटे 40 HP से ऊपर आराम से मशीन चल सकती है, कोई दिक्कत वाली नहीं, ये फ़ायदा और क्या है। बाकी किसान जिससे तो चलाना चाहते बहुत अच्छी आमदनी भी होती है, आराम से भाड़े पे दे सकता है आराम से, और बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आराम से।
तो आप किसान साथियों को किस प्रकार सजेस्ट करेंगे कि इस मशीन को खरीदे या नहीं? मैं किसान साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको कम समय में अधिक फसल निकालने वाली मशीन चाहिए तो आप यही परचेज करें। लो मेंटेनेंस, लो कम छोटे ट्रैक्टर पे, कम डीजल में, कम समय में, समय की बचत करना चाहते हो तो आप ये मशीन परचेज अवश्य करें। तो किसान साथियों, आज आपने पूरा जो हमारे किसान साथी हैं उनसे खोखर थ्रेशर है उसका रिव्यू जाना है। अगर इस थ्रेशर के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं A to Z, वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। आई बटन पर जाइए या एंड स्क्रीन पर जाइए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर पूरा वीडियो है जिसमें A to Z जानकारी है। आप उस वीडियो को देखकर थ्रेशर खरीदने में काफ़ी मदद होगी आपको। आई होप आपको ये रिव्यू या फिर वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और किसानों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सकें।